पानी खत्म हो जाता है, आवाजें हल्की हल्की सुन रही थी, पता नहीं कौन सी सुन रही थी। 5:15 हो चुके थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हम ढूंढी जा रहे, पर फिर हम चलते जा रहे थे एक ही पहाड़ की, हम जहाँ भी पहुंचेंगे ना, जहाँ पे ये जंगल खत्म हो गया वहीं पे कैंप लगा के सो जाएंगे। उसने हमें 4-5 बार आवाज लगाई और हमें भी नहीं सुनी, उसको नीचे से आवाजें भी आ रही, तो वो वापिस आ गया हमारे। तो नीचे से आवाजें कहाँ से भाई, पहाड़ों में कोई नहीं है, शुगर मैंने क्या क्या मतलब, हम रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे जहाँ से हम वापिस आए थे। एक तो यार गरीबी में वैसे ही आटा गिल्ला पड़ा, ऊपर से यार मेरे फोन की डिस्प्ले भी अभी उड़ी नहीं थी, क्या यार मतलब दिन ही खराब है यार। वैसे डिस्प्ले जो है कल रात को उड़ी थी, सडनली मैं फोन चला रहा था एंड देन 9 बजे के आसपास डिस्प्ले घूमने गई, तब उसे ठीक कराने के लिए जा रहा हूँ। ये है बाई सेक्टर मेरे लेफ्ट साइड में, अब पैसे थोड़े से लगने वाले हैं, पैसे वैसे इनते और वैसे जा रहे हैं बोर पैसे। सो या हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं जा रहा हूँ फोन ठीक कराने के लिए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, बिकॉज आज के व्लॉग में और भी कहानियां सुनाने वाले हैं। हरपाल भाई, रक्षक भाई जो भी मतलब आएंगे, जो भी चोरधार गए थे वो सब सुनाएंगे अपनी कहानी में, बस देखते हैं आज क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता, बस फिलहाल तो इतना पता आज मेरा फोन ठीक होने वाला है। मतलब यार फोन के बिना दिन जो है ना काटना बहुत मुश्किल हो जाता है यार आज के टाइम पे। सो यार कुछ ऐसी कहानी हमारी भी है, तो मैंने सोचा भाई साथ के साथ ठीक करा लेते हैं, और यार रहा नहीं जाता है पहली बात तो यार। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको मिलता हूँ शॉप के वहीं पे जाके, राजन भाई भी वहीं पे आ रखा है, तो वहीं पे मिलते हैं आपको सीधा। राजन भाई की बाइक तो मिल गई, और राजन भाई क्या हाल है? कॉल भी आ गया। हेलो, फोन हो गया अपना ठीक, और राजन भाई ये रहा। हेलो ब्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। अभी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, शाम के टाइम में मिलूंगा आप डायरेक्ट, मिलते हैं गाइस। इतना वेट कराने के बाद फाइनली आ गए ये दोनों अपने बंदे। में ना आ गए, मैं तो आना भी नहीं था। 4:30 फोन आया, बोलता चलना है। तूने इसको पहले नहीं बताया था? नहीं, 4 बजे मेरे घर। ये आपकी गलत बात है भाई। बाल सेट करने दे। इसको देखिए, तो भी आपको चोरधार की स्टोरी सुनाने के लिए इस पहाड़ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे बैठ के आराम से सुनाएंगे आज की कहानी इन दोनों की जुबानी। स्टोरी सुनाने से पहले मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मैंने दिल्ली का व्लॉग क्यों नहीं किया। मैंने दिल्ली का व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि यार मैं दिल्ली जाते टाइम मतलब कि मैं अकेला था, तो मैंने सोचा कि यार फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ऐसे बाइक में, ठीक नहीं रहेगा, कि मेरे पे काफ़ी प्रेशर भी था सामान का और काफ़ी चीज़ें थी यार, तो मैंने सोचा कि अभी रहने देते, कभी नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे किसी फ्रेंड के साथ अकेला ना जाऊँ तो फिर तब करेंगे व्लॉग, ऐसे नहीं। फिर दिल्ली है भाई, वो कुछ कह नहीं सकते हम चंडीगढ़ वाले, दिल्ली है दिल वालों की। तो बस यही कहानी थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी चूरधार की कहानी इनकी जुबानी सुनो भाई। कैमरा हरपाल भाई पकड़ेगा और कहानी ये सुनाएंगे, मैं पीछे बैठता हूँ आराम से यार। चूरधर का बहुत अच्छा था, चूरधर का मेन प्रॉब्लम ये था कि किसी को पता नहीं था, कोई पहले गया ही नहीं था, तो सबसे पहले जब हम निकले बहुत स्मूथली, सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा था, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं, 2 दिन का ट्रैक, और वैसे भी यार ये चीज तो हर राइड पे होती है। जिंदगी में पहली बार ट्रैकिंग करने जा रहे थे, सबसे बड़ी बात है, तो ट्रैकिंग का नाम सुन के ही थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पहले कभी किया ही नहीं। यहाँ से 5:30 निकले, 11 बजे हम वहाँ पे पहुंच चुके थे, काफी अच्छी स्पीड थी हमारी, 70-80 की ऑलमोस्ट स्पीड थी। वहाँ पहुंचे जैसे ही रस्ते में क्या हुआ, एक जगह रक्षक चल रहा था, मैं उसके पीछे था, ऊपर पहाड़ थे, ठीक है मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, मेरे को दिख रहा था कि ऊपर से ना 3 पत्थर ऐसे गिर रहे हैं, और रक्षक और मैं उसके जस्ट सामने थे, उसके जस्ट आगे पत्थर गिरा और उसके और मेरे गैप में पत्थर गिरा और मैं भी निकल गया। उसके बाद फिर हम वहाँ पे पहुंचे, यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से ऊपर जाके ट्रैक शुरू हो जाता है, तो जहाँ पे हम पॉइंट पे पहुंचे हैं वहाँ से हमें ना सामान लेना होता है, जैसे कैंप का सामान लेना होता है, खाने पीने का हो जाता है। नारकंडा पहुंचे, हाँ। और वो ट्रैक अपना ऐसा है कि वो बिगिनर्स का नहीं है, 2 बार करा होता है, उसके बाद वालों के लिए होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक भैया ने एक बात अपने मुंह से नहीं बोली कि भैया यहाँ से जाने का शॉर्टकट भी है। अब शॉर्टकट सुनते ही हमारे कान खुल गए कि 3 किलोमीटर कम हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो शॉर्टकट था वो सीधा चूरधर के ट्रैक पे कनेक्ट नहीं होता था, उसके लिए हमें रास्ता ढूंढना था कि वो कहाँ से कनेक्ट होता है, और वहाँ पे गाँव था। हम जाते गए, एक जंगल सा आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई ऐसा कौन सा ट्रैक होता है जिसपे सिर्फ एक पैर रखने जितनी जगह है और उससे पैर स्लिप भी हो रहा है और नीचे खाई है, ऊपर मेरे को पहाड़
दिख रहा है और मैं घास पकड़ पकड़ के रेंग रेंग के चल रहा हूँ। मैंने कहा इतना मुश्किल होता है ट्रैकिंग करना? ये तो पहली बार देखा है, ये तो कभी नहीं सोचा था। जो मेन रास्ता है ना वो लिटरली ऐसे 3 फुट का है और जिसपे हम चल रहे थे ना वहाँ एक पैर रखने की जगह नहीं, जगह की ये ट्रैक ही है। ऐसा रास्ता इसलिए है क्योंकि ये शॉर्टकट है। मुझे समझ नहीं आता, मैं इस ब्लॉग के बाद राजन भाई से पूछूंगा कि तूने जूते कहाँ से लिए थे। मैं उसके ना जूते उधार लेके गया था, स्पोर्ट्स वाले। उसके स्पोर्ट्स वाले जूते ना नीचे से कैजुअल से भी ज्यादा प्लेन थे। पैर रख रहा था ना, पैर ऐसे जा रहा था नीचे। राजन भाई बिग थम्स अप। तेरे शूज के लिए ना बहुत तंग हुआ मैं। एक रास्ते पे 2 रास्ते जा रहे थे आगे, अब वहां से चैलेंज ये था कि अगर सामने हमारे 3 रास्ते जा रहे हैं तो हमें रास्ता ढूंढना है कि चूरदर के लिए कौन सा कनेक्ट हो रहा है। और वहां पे ऑलरेडी हमें 2 बज चुके थे। 2 बजे हमने फर्स्ट लेफ्ट मारा, रक्षक का फेमस डायलॉग। ये वाला शॉर्टकट मुझे सही लग रहा है, यहाँ ये लेते हैं। टेक्निकली देखे तो ये रास्ता वही जा रहा है, चल के देखते हैं। एक जगह पे आगे रास्ता खत्म हो गया, बीच में खड्डा आ गया। खड्डा मतलब हल्का सा रास्ता टूटा हुआ था, उसके आगे फिर रास्ता, वहाँ पे जंप करनी थी, सिंगल पैर जितना रास्ता। जंप करी, हल्का सा लटका, नीचे पैर स्लिप हुआ, घास को पकड़ा, मुंह पे कांटे बजे, यहाँ कांटे बजे। कोई बात नहीं, ट्रैकिंग है, कोई बात है, चलता है। हाँ। इतना भी चलता है। अब हमें क्या पता लगा कि वो रास्ता आगे जाके खत्म हो गया। पहाड़ से नीचे उतरे और नीचे उतरे, पत्थर आया, उसके आगे एक आंटी का घर आया। ये आंटी ना हर बार मिल जाती है यार, कोई ना कोई आंटी मिल जाती है। आंटी ने बोला बेटा कहाँ जाना है? मैंने बोला आंटी चूरदर जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने बोला आज चाय पी लो मेरे घर पे। मैंने बोला चाय नहीं पिएंगे। चाय क्यों नहीं पिएंगे? क्या पता वो घर 20 साल पहले खाली हो चुका हो। कोई आंटी नहीं रहती। चाय नहीं पी, पर आंटी ने हमें रास्ता बोला कि इस पहाड़ से ऊपर चढ़ जाओ। जैसे जैसे हमने चढ़ाई करी वो भी रास्ता नहीं था। #freshies बहुत बुरा हाल था, पर हमें पूरे दिन ना एक चीज का हौसला था कि हमें वो रास्ता याद है जिस रास्ते से हम वापस आए थे। हमने 4:30 बजे डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे, यहीं पे कहीं कैंप लगाएंगे गांव के पास में, सो जाएंगे, अगले दिन संडे को हम सुबह उठ के फिर से रास्ता ढूंढेंगे। और लो भाई साहब, हमें वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। सवा पांच हो चुके थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। हम ढूंढी जा रहे, पर फिर हम चलते जा रहे थे एक ही पहाड़ की। हम जहाँ भी पहुंचेंगे ना, जहाँ पे ये जंगल खत्म हो गया वहीं पे कैंप लगा के सो जाएंगे। लास्ट रास्ता बचा था जो हमारे पे, हम उस पे चलते रह गए। रक्षक हमसे थोड़ा आगे निकल गया, आगे रास्ता हुआ तो वो हमें बता देगा। उसने अपने बैग में लगा रखा था स्पीकर, तो हमारी आवाज जा नहीं रही है। उसने हमें 4-5 बार आवाज लगाई और हमें भी नहीं सुनी। जब उसने 4-5 आवाजें लगाई उतने में उसको नीचे से आवाजें भी आ रही थी, तो वो वापिस आ गया हमारे पास। अबे तो नीचे से आवाजें कहाँ से भाई? मतलब नीचे खाई होती है, ऊपर पहाड़ होता है। अबे तो खाई उससे आवाजें आ रही है। मत पूछ पहाड़ों में कोई नहीं है। शुगर है, मैंने क्या। जो लास्ट उम्मीद थी कि एक ही रास्ते पे चलेंगे वो रास्ता भी खत्म हो गया था। मैंने पीछे मुड़ के देखा, नोनू अब कहाँ? वो रक्षक की तरफ देख रहा है। बोलता है क्या मतलब हम रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे जहाँ से हम वापस आए थे। जैसे तैसे हमें वो रास्ता मिल गया जहाँ से हमने एंट्री मारी थी गाँव के लिए। तो उस दिन फिर रात को हम गाँव के पास ही सोए रहे, पर एक डर क्या था कि इधर गाँव है पीछे जंगल है, हमारे कैंप के जस्ट पीछे जंगल शुरू होता है। पूरी रात इस बात पे डर लग रहा था कि कोई जंगली जानवर। तो रात को नींद आई नहीं आई? सर अगर आप जा रहे हो तो वीडियो के लास्ट में बता दें क्या क्या चीजें ले जानी इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से हम गए हैं सारी चीजें पता है उसके हिसाब से सब बता। 8 बजे बाहर निकले, हमने अपनी मोटिवेशन जगाई। हमने इतनी जगह नहीं थी जहाँ पे तारा ना हो, पर वो एक मोमेंट था जो हमने बहुत इंजॉय किया वो रात का। फिर हमने फिर डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे दुकान से और बिना शॉर्टकट वाले रास्ते से हम फिर से ट्रैक शुरू कर लेंगे संडे को, और मंडे हम एक दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं कि हम यहीं पे रहेंगे। उस लाल घर के पीछे से ना चूरदर का ट्रैक लिंक हो जाता है, जिसके लिए आप आए हो यहाँ। वहाँ से गए, लाल घर आता है, उसके पीछे से ना चूरदर का ट्रैक शुरू हो जाता है, वो लिंक हो जाता है। खुशकिस्मती से सेम टाइम पे कुछ 4 बंदे भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे और उनके साथ एक गाइड था, और उन्होंने बोला चलो हमारे साथ आ जाओ। हम उनके भरोसे चलते रहे और हमें चूरदर का ट्रैक पे हम चढ़ गए। सुबह शायद 9 या 8 बजे हमने ट्रैकिंग शुरू करी थी, और फिर उसके बाद जो स्पीड हमने पकड़ी है हम 1:30 बजे पीक पे थे। क्या बात है भाई, क्या 1:30 से 2 बजे के बीच में हम पूरे पीक पे पहुंच चुके थे, और वो पीक बहुत हाइट पे था। मतलब बहुत हाइट था भाई, ऐसे खाई है, ऐसे एक नैरो पत्थर पड़ा है, ऐसे खाई है, इस पत्थर के ऊपर से ऐसे जाना है, बीच में से निकल के, मतलब बिल्कुल पहाड़ के जो पीक्स होती है ना उनके बीच से चल के जाना। और सबसे हाईएस्ट पहाड़ था, वहाँ खड़े होके फील आ रहा था कि हाँ 1.5 दिन हमने जो लगाया है ना उसकी मेहनत वसूल हो गया। बहुत बहुत ज्यादा सुंदर था ऊपर शिव जी का। जब आप 1.5 दिन की मेहनत पूरी करते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है यार, वो चीज देख
के और, कि हाँ भाई जैसे तैसे कर ही लिया। और जो उस टाइम पे जो हालत हुई होगी हो, तो वहाँ पे पहुँच कर सोचो भाई कितना अच्छा लगा होगा। जैसे मैं राइड करके जब हम डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, डेस्टिनेशन में वैसे उतना मजा नहीं आता जितना हम राइड को एंजॉय करते हैं। राइड दिलों से ज्यादा रस्तों का मजा है, वो तो है रस्तों में ही है वो मजा। पाल भैया शायर बन गए, यही था। फिर उसके बाद बस हम वापिस आए के उतरे, उसके बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। मैं लिटरली बोलूं अगर आपको जाने में ऊपर चढ़ाई में अगर 6-7 घंटे लगेंगे तो वापिस आने में उसका आधा टाइम, 3-4 घंटे। तो बाकी सूर्य भैया भी कह रहे थे कि अगर आप चूरधार अगर जाओगे तो टिप्स बताएगा क्या क्या लेके जाना चाहिए क्या क्या नहीं लेके जाना। तो सूर्य भाई फर्स्टली चीज़ ये है कि हम वहाँ जब पहुँचते हैं तो ऊपर हमारे रहने के लिए हमें 2 पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं जो कि 6-6 किलोमीटर पे है। अगर तो आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो वहाँ पे 250 पर पर्सन होता है स्टे का और खाने का, वो खुद ही देते हैं खाने का भी रहने का भी। और एकदम अंदर जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ पे एकदम गर्म होता है, वहाँ रहने को मिल जाता है 250 में। या तो आप टेंट ले जा सकते हो और अपने स्लीपिंग बैग ले जा सकते हो। स्लीपिंग बैग 100 रुपीज़ है, ठीक है। टेंट आपको पर डे के 500 के हिसाब से मिलेगा और स्लीपिंग बैग यार इनफ होता है इस टाइम के वेदर के हिसाब से कि आप उसमें आराम से सो सकते हो। 5 लोगों का टेंट ले लो, 500 रुपये का हो जाएगा 100 का सबका स्लीपिंग बैग, 1000 में सबका सर जाएगा चाहे 2 दिन रुको चाहे 3 दिन। और लिटरली ना हम 3,000-3,500 रुपये लेके गए थे कि चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा आ गया, कभी इमरजेंसी पड़ गई ना तो हम खर्च कर लेंगे। लेकिन वैसे मैं रियलिटी में बताऊं सिर्फ 1700-1800 रुपये का खर्चा आया पूरा पूरी ट्रिप का, अप डाउन खाना पीना। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाने का सामान पे डिपेंड थे, हम जिस दिन पहुंचे हमने उस दिन भी खाया, खाने के बाद हम ऊपर लेकर भी गए खाना, और उसके बाद जब हम वापस ट्रैक ख़त्म करके आए हमने वापस आके भी खाया। और वो सब मिला के पेट्रोल का मिला के टेंट का रेंट मिला के, ठीक है, और बाकी चीज़ों एक दिन एक्स्ट्रा भी लगा के आए हैं तब भी हमारा सिर्फ 1700-1800 का खर्चा टोटल है। सब कुछ मिला के पेट्रोल का खर्चा मिला के, इवन हमारी तो बाइक्स भी ऐसी है कि चलो सिर्फ 35 या 40 तो एवरेज देती है, हाँ, देती 40 है की एवरेज देगी क्योंकि हिल एरिया होता है फिर भी। बट बहुत हमें अच्छा लगा कि पूरा वर्थ था, इतने पैसे लगा के इतना एडवेंचर करना वर्थ है। खाने का अपना अच्छा खासा लेके जाओ और ज्यादा चिप्स मत लेके जाओ, ऐसी चीजें यार ऐसी चीजें नहीं जाओ जिससे थोड़ा पावर मिले एनर्जी मिले, मीठी चीज थोड़ी और हैवी चीजें मत लेके जाओ, हैवी चीजें मत लेके जाओ, थोड़ी लेके जाओ जिसमें ज्यादा एनर्जी हो, हल्का खाओ बस। छोटी सी चॉकलेट हो गई जो आपको एनर्जी देती रहती है, एनर्जी ड्रिंक थोड़े थोड़े टाइम पे पीते रहो, लिक्विड पीते रहो, लिक्विड कंज्यूम करो ज्यादा ज्यादा। अब माउंटेन्स में पता ही है कब 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 क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, शौचालय बने नहीं। तो यार कुछ बातें खुद भी समझो, हर बातें हम नहीं बता सकते। ये वाला स्ट्रगल बहुत असली वाला होता है, ऊपर से वहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा लो होता है। आपको चूरधार जाना है, बेस्ट टाइम जो है वो जुलाई और अगस्त का होता है जहाँ पे आप जा सकते हो, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। और तो कुछ टिप्स नहीं देना चाहते, और बस टिप्स यही है कि बस आराम आराम से जाओ, पंप में मत जाओ कि पहले एक घंटे में दारा कुछ निकल जाए, ठीक है 2 दिन का खाया हुआ, क्योंकि जितना जल्दी भागोगे उतनी जल्दी फिर थकोगे भी, फिर कहीं के नहीं रह जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। तो यही थी आज की कहानी इनकी जुबानी। और बाकी एंडिंग में मैं सिनेमेटिक शॉट डाल दूंगा तो आप उसको एंजॉय करना। सो ठीक है गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, दिस इज द आर प्राइड साइनिंग ऑफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और यार ये वाला व्लॉग मेरे को पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमने कहानी सुनाई उस हिसाब से तो काफ़ी मिनट की वीडियो बन चुकी है। बाकी चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और जो करना कर देना। सो डियर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। डेढ़ दिन